हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनी राणा। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए व्लॉग में। अभी हम लोग आए हुए थे लवी सर के साथ मीटिंग में। यहाँ पर मीटिंग ख़त्म होने के बाद में हम लोगों को जाना था लुलु मॉल। और यार सच बताऊँ तो अभी मौसम बहुत सही हो रखा था आज लखनऊ का, क्योंकि ठंड थी बट धूप निकली हुई थी और मुझे ऐसा ही मौसम पसंद है। क्योंकि अगर ना धूप नहीं निकली तो मैं भी रजाई से नहीं निकलने वाली। तो मौसम प्यारा था इसीलिए मैंने सोचा चलो चलते हैं। अब यहाँ पे कैब वाले भैया को हमने टाटा बाय बाय बोल दिया था। अब हम लोग पहुँचे थे गोल्ड सिटी। यहाँ पर मुझे कुछ रील शूट करनी थी, लेकिन रील शूट करने से पहले आ गए थे मेरे पास कई सारे बच्चे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, क्यूट थे। यार मैंने इन लोगों की वीडियो बनाई तो ये लोग अपने को छुपा रहे थे। ये बलून वाली लड़की तो बहुत ज़्यादा क्यूट थी, अपने आप को छुपा रही थी मुझसे, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारी लग रही थी। यार बच्चों को देख के मुझे समझ आया ना कि खुशियाँ जो हैं किसी के पैसों की मोहताज नहीं होती। फिर मैंने इन लोगों को बोला कि तुम लोग अपनी वीडियोस तो बनवा नहीं रहे हो मुझसे, तो क्यों ना मैं ही बना लूँ। तो ये सारे बच्चे बोले हाँ दी आप बनाओ। अब जो है मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी सी कैट वॉक करती हूँ, रील वील बनाती हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है मुझे यार ऐसे मौसम में कि धूप निकली हो, ठंड हो, मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे मैंने एक बच्चे से ये ख़रीद लिया था तो मैंने उसको बोला मैं कल आओ तुम्हारे ऊपर मैं ये बलून फुला करके दिखाती हूँ, क्या ही बोलते हैं बबल्स बोलते हैं। तो फिर सारे बच्चे आ गए यार मेरे पास में। फिर मैंने बोला चलो यार तुम लोगों को मोमोज खिलाती हूँ मैं। सारे बच्चे हो गए थे इकट्ठा। फिर हम सब लोग गए मोमोज वाले भैया के पास में। तो मोमोज वाले भैया के पास में जब हम लोग पहुँचे तो उनके मोमोज यार रेडी नहीं थे। मोमोज वाले भैया ने बोला 5 मिनट वेट करो, तब तक मैंने बच्चों से बोल दिया जो जो भी तुम्हारे साथ घर रह गया हो उसको बुला लाओ और सब लोग मोमोज खा लेंगे। तब तक जो है मोमोज वाले भैया ने यहाँ पे मोमोज रेडी कर दिए थे। उन्होंने सब बच्चों के लिए प्लेट लगाना चालू कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल गर्म गर्म मोमोज अच्छी तरीके से रेडी कर दिए हैं भैया ने। और यहाँ पे इन बच्चों के चेहरे यार बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहे थे ये लोग, कब से 5 मिनट हो चुका था। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं यार। और मैं तो ये बोलूँगी कि बस ऊपर वाला ऐसे ही करे कि मैं किसी ना किसी के काम में आ जाऊँ। यहाँ पे मोमोज खिलाने के बाद बच्चों को मैं बढ़ गई थी आगे, क्योंकि अब हमें सीधे एंट्री लेनी थी लुलु मॉल में। तो अब हम आ गए थे एंट्री गेट पर और हम लोग जा रहे हैं सीधे ऊपर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आए हुए थे। तो ऊपर जाते ही यहाँ पे पब्लिक का रिएक्शन स्टार्ट हो गया था बालों को देख करके, और उनका रिएक्शन भी जेन्युइन है यार, लंबे बाल किसको नहीं पसंद। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी अपने 2 अनमोल रत्नों को जिनसे मैं मिलने के लिए आई हुई थी बहुत टाइम बाद। लेकिन सब लोग बालों को नोटिस कर रहे थे और जो भी लोग कह रहे थे कि यार उसके बाल देखो तो मुझे सब सुनाई पड़ रहा था। एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, जब भी संडे जाओ लुलु मॉल तो भीड़ तो रहती है, और मैं गई थी संडे को। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को मेरे बाल दिखा रहे थे और शर्म भी आती है मुझे कभी कभी तो बहुत ज़्यादा, आप लोग तो जानते हैं। और इससे पहले वाली जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है वो वीडियो देख लें। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे बालों की लेंथ कैसे इतनी लंबी हुई, मेरे बाल जो है कैसे इतने अच्छे हुए। तो यहाँ पर यार मैं इन लोगों को ढूँढ रही थी और सबकी नज़रें यहीं बालों पर ही थी कि यार इस लड़की के बाल कितने सुंदर हैं। किसी को तो अच्छे लगते हैं और कोई कोई तो बोलता है चुड़ैल लग रही हो बिल्कुल, वो भी सही है यार। सो अभी मैं ढूंढ ही रही थी इन लोगों को, तब तक ये दीदी को मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग गए तो ये सब देखने लगी थी। फिर मैं आगे बढ़ गई, मैंने कहा यार ये लोग मिल जाएं जल्दी से। तो हम लोगों को पता चला कि जिन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं वो नीचे हैं। तो हम चल दिए थे अब नीचे की ओर। नीचे भी नालायक दिख ही नहीं रहे थे, पता नहीं कौन से खूब चने चले गए थे। यहाँ पे मुझे फ़ोटो खिंचानी थी क्योंकि क्रिसमस के लिए लुलु मॉल सज गया था। तो मैं एक साइड से वेट कर रही थी तो नीचे भी कई सारे लोग बालों को नोटिस करने लगे। तो मैं यहाँ पे इंतज़ार ही कर रही थी यार, करती क्या। कई सारे लोग जो है वहाँ फ़ोटो खिंचा रहे थे, मैंने कहा साइड से खड़े होकर के वेट ही कर लेते हैं। तब तक ये बच्चों की रेलगाड़ी आ गई। मैंने यहाँ पर इनको हाय बोला उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, इन बच्चों ने बाय बोला उसका भी कोई रिप्लाई नहीं। अपने में ही मस्त थे ये बच्चे यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतनी देर में ये अंकल आ जाते हैं, बालों को देखते हैं, कहते हैं भाई साहब बाल देखो इस लड़की के। मैं सुन लेती हूँ यार ये लोग जो भी बोलते हैं ना पास से। एक तो कई सारे लोग ना कानों में बोल के जा रहे थे हाय अल्लाह।
मतलब अच्छा लगता है यार मुझे ये सब सुन के। तो फाइनली मेरे दोनों अनमोल रत्न मुझे मिल गए थे। अब मुझे इन लोगों के संग फोटो खिंचानी थी। एक तो यार ये लोग इतने लंबे हैं, मैं क्या ही बोलूँ, मैं पड़ जाती हूँ छोटी। यहाँ तक कि मैंने हील पहन रखी थी तब भी ये लंबों के सामने मैं छोटी लग रही थी। मैं खड़ी थी फोटो खिंचाने का वेट कर रही थी, तब तक एक आंटी ने मेरी फोटोज लेना चालू कर दिया। और फिर जाती हैं अपनी फ्रेंड के पास, मैं बोलती हैं कि उस लड़की के बाल देखो। ये सब मैंने सुन लिया होता है तो मैं पीछे पलट करके देखती हूँ तो आंटी मुस्कुराने लगती है। कितनी सही आंटी, आप भी देख ही लो यार। ये लोग, आप लोग देख सकते हैं कि लुलू मॉल कितना अच्छी तरीके से सजा हुआ है यार। क्रिसमस के लिए मज़ा आने वाला है क्रिसमस पर। यहाँ पर एक आंटी आती हैं और बोलती हैं बाल रियल हैं। मैं उनको बोलती हूँ हाँ आंटी बिल्कुल भी रियल बाल है मेरे। यहाँ फ़ोटो खिंचाने के बाद मैं यार आगे बढ़ती हूँ ज्वेलरी शॉप की तरफ। तो मैं देखती भी नहीं हूँ औकात से बाहर, लेकिन ज्वेलरी शॉप वाली दीदी मेरे बालों को ज़रूर देख लेती हैं। फिर कहती हैं बाल देखो इसके, अगेन वही कि बाल देखो। यार लुलू मॉल इतना बड़ा है ना कि मैं चलते चलते गई थी थक। फिर मैंने लोगों को बोला ऐसा है मुझे कुछ खाना, तो फिर हम लोग चले गए थे अंदर हाइपर मार्केट में। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देखी, वैसे तो कई सारी चीज़ें थी यार। मार्केट में जाके मन तो करता है कि यार सारी चीज़ें ले लो। अगर आप लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे आप सब चीज़ ले सकते हैं, बच्चों की बॉटल, बच्चों के बैग, सब कुछ यार जो भी आपको चाहिए हो। तो इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे बस खाने की चीज़ें चाहिए थी, लेकिन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अब यार ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ ये भी मिलता है। ख़तरनाक इसलिए बोलती हूँ यार क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, मैं नहीं खाती ये सब कुछ। और यहाँ पे तो अलग अलग प्रकार की फिशेस पड़ी हुई थी, मुझे तो इनकी कैटेगरी भी नहीं पता कि ये कौन कौन सी है। देखो कितने ख़तरनाक जानवर लग रहे हैं यार। ये कौन सी फिश है, इसका तो मुझे नाम भी नहीं पता, इनको खाता कौन होगा। फिर मैं बढ़ गई आगे, मैंने कहा यार कुछ नूडल्स वूडल्स देख लेती हूँ, घर जा कर के बनाना होगा। लेकिन यार ये वाले फायर नूडल्स थे, मुझे लेने नहीं थे ये, आते बाहर निकल आती हैं इनको खा करके। तभी एक दीदी मिल जाती है, बोलती हैं फिर से कि यार तुम्हारे बाल रियल हैं। मैं उनको बोलती हूँ हाँ यार दीदी बाल रियल हैं, स्पाइसी ये नूडल्स थे इसलिए मैं इनको लेना नहीं चाहती थी। थोड़ा बहुत सामान मैं ले चुकी थी, कोल्ड ड्रिंक की तरफ नहीं देख सकती थी क्योंकि ठंड आ गई थी। यहाँ पे आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए हो, ब्रोकली वगैरह यहाँ पे बहुत आसानी से मिल सकता है। और यहाँ पे अच्छी पैकिंग भी दे रखा होता है सामान, तो बढ़िया है यार यहाँ पे सब कुछ। लेकिन मैं गई थी थक और मुझे जो है घर जाना था, अब सीधे बुरी हालत हो गई थी। एंड थैंक यू गाइज मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।